बताई गई कि वो लोग गौ तस्करी कर रहे हैं, तो मैं पहले क्लियर करना चाहता हूँ, वो आदिवासी समाज के लोग थे और आदिवासी समाज भी जल, जंगल, जमीन और जानवरों से प्यार करते हैं, वो कहीं से कोई तस्करी का मामला नहीं है। कांग्रेस का राज है और छत्तीसगढ़ की बात करें तो अभी हसदेव जंगल का मामला बहुत ही चरम सीमा पर है, लोग सड़कों पर उतर आ रहे हैं तमाम से ट्राइबल लोग। और इधर राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर भी जितेंद्र मेघवाल हो गया, मंदिर में घुसने नहीं दिया गया, शादी के जो कपल थे उन्हें भी नहीं घुसने, तो इस प्रकार के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो हम लोग भी पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं कि एक हम संघर्ष कर रहे हैं, एक भी दलित, आदिवासी और पिछड़े गरीबों के साथ में अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं कर रहे। सर, उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों के बाद काफ़ी निराशा समाज के अंदर आई है, तो ऐसे में समाज को क्या संदेश देंगे? हम सब बाबा साहब के सिपाही हैं, बहन जी के सिपाही हैं, माननीय श्री कांतिराम साहब के सिपाही हैं, तो हम संघर्ष करते रहेंगे और संघर्ष कहीं जगहों पर ऐसी आरोप लगाते हैं लोग कि बहुजन समाज पार्टी ने कैडरबेस्ड लोगों को सामने नहीं किया है या फिर कैडर बंद कर दिया। सरकार से मैं कहना चाहूँगा कि कम से कम उन्हें 1-1 करोड़ रुपए और 1-1 सरकारी नौकरी देने का काम करें और दोषियों को कम से कम फांसी सजा होनी चाहिए, इसे नीचे कोई सजा नहीं होनी चाहिए। साथ जय भी, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। इस वक्त हमारे साथ है बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद और कई प्रदेश के प्रदेश प्रभारी इंजीनियर रामजी गौतम साहब, और आज हम इनसे बातचीत करने वाले तमाम राष्ट्रीय राजनीति को लेकर, अलग अलग राज्यों में होने वाले उत्पीड़न को लेकर। तो आज आइए बात करते हैं रामजी गौतम साहब से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद स्नेहा जी। सर, सबसे पहले मैं यह सवाल करना चाहूँगी कि आप अभी आप मध्य प्रदेश से आए और मध्य प्रदेश में जो गोमांस तस्करी के नाम पर जो दबंगाई की गई है और वहाँ पर आप पीड़ित परिवार को मिलकर आए, तो क्या कहना चाहेंगे इस बात को लेकर? देखिए, जो बात बताई गई कि वो लोग गौ तस्करी कर रहे हैं, तो मैं पहले क्लियर करना चाहता हूँ, वो आदिवासी समाज के लोग थे और आदिवासी समाज भी जल, जंगल, जमीन और जानवरों से प्यार करते हैं, वो कहीं से कोई तस्करी का मामला नहीं था। और वहाँ पर जाने के बाद मालूम हुआ कि जो धनसा और जो संपत लाल भाटी, दो युवकों को पीटा गया। रात में धनसा अपने परिवार के साथ में सोया हुआ था और 2 बजे के आसपास कुछ 15 से 20 से 25 वहाँ पर गुंडे आए और उन्होंने उनको उठा करके पीटना शुरू कर दिया और घर के पीछे खाई है, उस खाई में ले गए और वहाँ पर मारते मारते उन्हें अधमरा कर दिया और जान से लगभग मार ही दिया था। इस तरह की घटना सामने आई और बहुत ही बेहद गरीब लोग हैं वो, और उनके घर में तो मेरी समझ से 10-20 किलो राशन भी नहीं रहा होगा, इतने गरीब हैं। और जो संपत लाल है उसकी तो इकलौती माँ है सिर्फ, और उसकी 2 छोटी-छोटी बच्चियाँ हैं, उनको कुछ देखने वाला भी नहीं है। तो इसलिए बेहद ही गंभीर मामला है और मैं तो ये आपके चैनल के माध्यम से सरकार से, शिवराज सरकार से मैं कहना चाहूँगा कि कम से कम उन्हें 1-1 करोड़ रुपए और 1-1 सरकारी नौकरी देने का काम करें और दोषियों को कम से कम फांसी सजा होनी चाहिए, इसे नीचे कोई सजा नहीं होनी चाहिए, फांसी की सजा देनी चाहिए ताकि इस तरह के किसी भी अपराध की पुनरावृत्ति प्रदेश में न होने पाए। सर, आने वाले 2023 में अलग अलग राज्यों में चुनाव है और जिसमें खासतौर पर छत्तीसगढ़ है और राजस्थान है। राजस्थान इसलिए क्योंकि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के बाद ज़्यादा से ज़्यादा MLA जो है वो राजस्थान से चुनवा कर लाई है, तो ऐसे में कांग्रेस का राज है और छत्तीसगढ़ की बात करें तो अभी हसदेव जंगल का मामला बहुत ही चरम सीमा पर है, लोग सड़कों पर उतर आ रहे हैं तमाम से ट्राइबल लोग। और इधर राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर भी जितेंद्र मेघवाल हो गया, मंदिर में घुसने नहीं दिया गया, शादी के जो कपल थे उन्हें भी नहीं घुसने, तो इस प्रकार के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी किस प्रकार कांग्रेस को टक्कर देगी? देखिए, आप लोग इन सारी जो एट्रोसिटीज़ हुई हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे राजस्थान हो, इन जगहों के एट्रोसिटीज़ के बारे में आप लोग बेहतर जानते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। और सोशल मीडिया के माध्यम से ये भी जाना होगा कि जितेंद्र मेघवाल का जो केस हो, चाहे अलवर का जो केस हो, चाहे भरतपुर का केस हो, चाहे गंगानगर हनुमानगढ़ का केस हो, इन सारे केसेस को जो इन पर एट्रोसिटी हुई, उन केसेस को बहुजन समाज पार्टी ने बहुत ही तेज़ी से उठाने का काम किया है और राज्यपाल जी को ज्ञापन भी दिया है। इवन हमने भी माननीय सदन में हमने इस बात को उठाने का काम किया, राज्यसभा में हमने बात को रखा भी है, पूरे देश के सामने इस बात को रखा है। तो हम लोग भी पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं कि एक हम संघर्ष कर रहे हैं, एक भी दलित, आदिवासी और पिछड़े गरीबों के साथ में अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।
सर, उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों के बाद काफ़ी निराशा समाज के अंदर आई है, तो ऐसे में बहुजन समाज तमाम बहुजन समाज पार्टी को अपना रहनुमा के तौर पर देखते हैं, आपको एक बहुजन आइकन की तरफ देखते हैं, तो ऐसे में समाज को क्या संदेश देंगे? देखिए, ये पार्टी का जो काम है, हम सभी लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी मिशन है, आंदोलन है, बाद में पार्टी है, और कभी हमें सफलता मिलेगी कभी नहीं मिलेगी, और हर वक्त सफलता ही नहीं मिलती, कभी कभी हमें संघर्ष करना पड़ता और भी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। तो हम सब बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, और ना ही बाबा साहब ने जीवन भर संघर्ष करते रहे, ना बाबा साहब कभी थके ना रुके, तो हम सब बाबा साहब के सिपाही हैं, बहन जी के सिपाही हैं, माननीय श्री कांतिराम साहब के सिपाही हैं, तो हम संघर्ष करते रहेंगे, और संघर्ष जब हम करेंगे तो एक ना एक दिन हमें सफलता अवश्य मिलेगी। सर, अब पिछली बार आपका एक खबर चली थी कि राजस्थान में आप बहुजन यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं, इसके बारे में क्या बताएंगे? उसके बारे में हमारी टीम से डिस्कशन चल रहा है, और जब हमारी जो वहाँ पे जब हमारी टीम है, स्टेट की बॉडी के लोग हैं या हमारी जो ज़िले और हमारे ज़िले पे जो काम कर रहे हैं साथीगण, और वो सब डिसाइड करेंगे, हाँ इसकी आवश्यकता है तो हम उसको जरूर करेंगे, माने बहन जी से परमिशन लेने के बाद। सर, काफ़ी जगहों पर बहन जी का बहुत बार ऐसे स्टेटमेंट आया है कि पार्टी में 50% युवाओं को शामिल किया जाए, तो इस संदर्भ में कितना काम हुआ है? क्योंकि काफ़ी जगह पर हम देखते हैं तो एक तो कहीं पर युवा इनमैच्योर है, कहीं पर मैच्योर है, जहां पर मैच्योर है तो वहां पर जो आपस में कार्यकर्ताओं की नहीं बनती है, और जहां पर इनमैच्योर है तो वो काम का नहीं, पार्टी में काम का नहीं रहता, तो ऐसे में क्या बताएंगे? अभी देखिए, युवाओं को हमने 50% से ज़्यादा भागीदारी कई राज्यों में सुनिश्चित हमने कर दी है, और कई सारे युवाओं को जिले के पदाधिकारी या जिला अध्यक्ष या जिला के प्रभारी या अन्य पदों पर हमने उनको रखा हुआ है, और दे आर ऑल अंडर ट्रेनिंग। उनके काम के विहार पर हम उन्हें बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी देने का काम कर रहे हैं। सर, जिस प्रकार कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी मिलती है, तो ऐसे में हमारा पहले का जो सिस्टम था कि वो बंदा कैडर से आएगा, जो भी युवा हो, जो भी हो, जिसे अगर पार्टी में काम करना तो वो कैडर से आएगा और उस कल्चर से आने के बाद वो पार्टी की जिम्मेदारी संभालेगा, तो आजकल कहीं जगहों पर ऐसी आरोप लगाते हैं लोग कि बहुजन समाज पार्टी ने कैडर बेस लोगों को सामने नहीं किया है या फिर कैडर बंद कर दिया, तो इसमें कितना सच है कितना नहीं? नहीं, गलत, जो इस तरह के जो आरोप लगाते हैं पूरी निराधार है, और आज भी हर जगह कैडर भी हो रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश में कैडर स्टार्ट हो गए हैं, पहले भी हुए थे कैडर, इवन मेरे भी करीब 15 कैडर जिले वाइज हुए थे, और चूंकि कोरोना का स्टार्ट हुआ, कोरोना की वजह से हमारे कैडर रुक गए, और कैडर हर जगह स्टार्ट है, और अभी हम लोगों ने फिर से 22 मई से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कैडर का स्टार्ट कर दिया, आरम्भ कर दिया है, और ऐसे राजस्थान में भी कैडर होने शुरू हो जाएंगे। और रही बात युवाओं को कैडराइज किया जा रहा है, युवा जो साथीगण हैं उन्हें छोटी सी जिम्मेदारी दे करके उन्हें कैडराइज किया जा रहा है, और फिर जब वो परिपक्व हो जाएंगे, बड़ी जिम्मेदारी के लायक हो जाएंगे, तो डेफिनेटली उनको हम बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी देंगे, और कई राज्यों में भी हमारे युवा साथीगण ही प्रदेश अध्यक्ष तक पहुँचे हैं, अभी भी काम कर रहे हैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ। सर, अंत में मैं यही कहूंगी कि आने वाले कुछ दिनों में बुद्ध जयंती आने वाली है, तो ऐसे में बुद्ध जयंती के मौके पर तमाम देशवासियों को, तमाम बहुजन समाज को, SC ST माइनॉरिटीज़ को क्या क्या देंगे संदेश? मेरा इतना ही सा संदेश है कि बौद्ध जयंती में आप सभी लोग जानते हैं कि बौद्ध का नाम है शांति का प्रतीक है, साइंटिफिक का प्रतीक है, और हमें हर चीज़ वो काम करनी चाहिए जिससे दूसरों को शांति मिले, उनका भला हो, क्योंकि तथागत ने ये बात कही है, सृजन हिताय सृजन सुखाय के माध्यम पे बात भी कही है, तो उन्हीं कामों को हम आगे बढ़ाना चाहिए जिससे दूसरों का भला हो, और उन्हीं कामों को करके आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ थे बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद एवं अनेक प्रदेश के प्रभारी इंजीनियर रामजी गौतम साहब, और काफ़ी अच्छी चर्चा उन्होंने हमारे साथ की है। उनका कहना है कि समस्त बहुजन समाज को उन्होंने आह्वान किया है, उन्होंने कहा है कि निराशाजनक, अगर आपके मन में निराशा आई है तो आप इस निराशा को दूर करें, यह जो आंदोलन है फुले शाहू बाबा साहब का, यह आशावादी आंदोलन है, इसमें सफलता असफलता यह चुनाव से संबंधित है, लेकिन आंदोलन तो चलता रहेगा, और
इसीलिए आंदोलन में काम करना हमारी अपनी जिम्मेदारी है और तमाम लोगों ने काम करना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी का भी यह कहना है कि युवाओं ने सबसे ज़्यादा इस आंदोलन में भाग लेना चाहिए और इसके लिए तमाम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी जो है वो इसके लिए आगे आ रहे हैं और भागीदारी दे रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल देख रहे हैं और आप यह सब सुन रहे हैं तो आप भी बहुजन समाज पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं, इस आंदोलन में सहभागी हो सकते हैं, क्योंकि इस देश के अंदर बुद्ध की ज़रूरत है। इस देश के अंदर उत्पीड़न हो रहे हैं, इस देश के अंदर आपको पीटा जा रहा है, इस देश के अंदर आपको मारा जा रहा है, इस देश के अंदर आपके हक अधिकारों को छीना जा रहा है और ऐसे में आपको शांति की ज़रूरत है और इस देश के अंदर शांति स्थापित करने वाली एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। और आज हम उसी बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम साहब से बात कर रहे थे। इस सदर में आपका क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत।